देखा मेरी गलती कितनी जल्दी पकड़ी गई। एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग। दिन के टाइम से तो बज रहे हैं दिन के 12 और घर का सारा काम हो चुका है। काम करने के बाद मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग करी थी एंड अभी मैं फ्री हो रखी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ दिन के टाइम से। तो आज यहाँ ना काफ़ी ठंडा हो रहा है। एक्चुअल में क्या है कि नवंबर दिसंबर से ठंडियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, बट इतना फील नहीं हुआ अभी। यहाँ पे आज ठंडा हो रहा है, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोहरा भी लगा हुआ है एंड सूरज नहीं आ रहा है, धूप नहीं आ रही। तो सबके सब अपने अपने रूम पे हैं। सिला जी अभी गए हुए हैं ड्यूटी एंड आदि गया हुआ है स्कूल। और अथब की पढ़ रखी हैं छुट्टियाँ, क्योंकि अथब को स्कूल खुलने वाला है 16 जनवरी को, तो वो तभी जाएगा, तो वो अभी घर में मेरे साथ है। तो अभी अथब कर रहा है पापा के पुराने वाले फ़ोन में थोड़ी सी छेड़खानी और खेल रहा है वहाँ पर गेम। तो मैं दिखाती हूँ पहले आपको अथर्व को, ये देखिए अथर्व, अथर्व आप क्या देख रहे हो, क्या है ये? ये देखो, ये आपको दिखाएगा नहीं बट ये देख रहा है, लिटिल सिंगम वाला गेम खेल रहा है। और ठंडा काफ़ी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का वेदर कैसा दिखाई दे रहा है अभी, फिर उसके बाद सीधे बनाएंगे लंच। देखिए मौसम बहुत ठंडा है और मम्मी एकदम मुँह ढक के सो रखी है, उनको भी ठंडा हो रहा है। और अगर मैं पूछूंगी ठंडा हो रहा तो बोलेंगे नहीं हो रहा है। तो मम्मी भी सो रखी है और आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। और अथर्व ने ना पूरी की पूरी बैल्कनी में देखिए टॉयज ऐसे फेंक रखे हैं। लग तो रहा है कि धूप आएगी बट पता नहीं कब आएगी। और ये देखिए बाहर इतना कोहरा लगा हुआ है इस साइड से, तो उस साइड से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और मौसम बहुत ठंडा है। आज पहली बार हो रहा है, आज तक तो इतना ठंडा यहाँ कभी हुआ नहीं। तो अभी ये ऐसे रहेंगे, बाद में मम्मी उठाती है इनको। और अभी हम चलते हैं सीधे किचन में और उसके बाद बनाते हैं हम लंच। तो लंच में आज हम सोच रहे हैं कि मौसम भी ऐसा, और शुरुआत जी ना 3-4 दिन पहले नॉनवेज लेके आए थे, और नॉनवेज वैसे ही रखा हुआ था, मैंने डीप फ्रिज में रख दिया था, तो वो ये रहा। एक्चुअल में क्या था, इसमें ना बर्फ़ जम गई थी, तो मैंने इसको भी पानी पर रखा हुआ है। देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का लंच बनाना और मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से नॉनवेज बनाती हूँ। तो मिलते हैं आपको अब थोड़ी देर में। स्टार्ट करते हैं अब मटन बनाना। तो मटन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑनियंस और टमाटोज ले लिए, तो मैं ऑनियंस को सारे कट करके उसको चॉपिंग बोर्ड में रख दूंगी। मेरे पास था चॉपिंग बोर्ड इलेक्ट्रिक वाला, हैंड वाला नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही इसको ले लिया था। और दूसरी बात है कि मैं इसका यूज़ बहुत कम करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं मिक्सी का ही यूज़ करती हूँ, और अभी ठंड भी काफ़ी हुआ था तो मैंने बोला क्यों ना चॉपिंग बोर्ड का यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए इससे ना चॉप करने से बहुत आसानी भी होती है, बहुत आसानी से चॉप हो जाता है। एंड दूसरी साइड मैंने रखा हुआ था कढ़ाई पे तेल। एक्चुअल में क्या है, जब भी मुझे बनाना होता है मटन तो मैं हमेशा पहले उसके जो मसाला होता है ग्रेवी हमेशा कढ़ाई पे ही रेडी करती हूँ, देन उसके बाद मैं उसको कुकर में ऐड कर लेती हूँ। तो मेरा सारा का सारा ऑनियन चॉप हो चुका है और उसके बाद मैंने डाला था कढ़ाई में तेल और ऑनियन को मैं कर रही हूँ अब रोस्ट। दूसरी साइड मैंने टमाटोज के भी छोटे छोटे पीस करके उसको भी मैं चॉपिंग करने के लिए रख दूँगी। तो देखिए चॉपिंग बोर्ड बहुत अच्छा है, बस हाथ से प्रेस करना पड़ता है ऊपर से, और एक साइड से आप प्रेस करिए, दूसरी साइड से आप दूसरा काम करिए, आराम से काम आसानी से हो जाता है। तो ये मैंने आज से 1.5-2 साल पहले लिया हुआ था और बहुत अच्छे मतलब अच्छा यूज़ होता है इसका और बहुत जल्दी हो जाता है। तो बट यहाँ पे थोड़ा सा किचन छोटा था, जगह कम होती थी, मैंने इसको ना पैक करके रख दिया था बट अभी निकाल दिया है मैंने इसे। तो अभी मैं ग्रेवी तैयार करूँगी, इसमें मैं कोई भी गार्लिक और जिंजर का पेस्ट नहीं डालूँगी, मैं सीधे इसमें अब टमाटो ऐड कर लूँगी और हल्के से मसाले जो हम डेली यूज़ करते हैं मसाले, वो मसाले यूज़ करूँगी। और उसके बाद देखिए आप मैंने इसको अच्छे से पकने के लिए उसको रख दूँगी। अभी तक ये जो मेरा जो गैस का फ्लेम है ये बड़ा वाला है, तो मैं इसको छोटे वाले पे रख दूँगी ताकि आसानी से पक जाए। और दूसरी साइड मैंने चढ़ा दिया है प्रेशर कुकर में मैं तेल, और उसमें मैंने डाल दिया है थोड़े से खड़ा मसाला, और थोड़ा सा इसमें डाला मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। आप देख सकते हैं मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। देन उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला और थोड़ा सा मटन मसाला, और सारा का सारा मटन मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं मटन को थोड़ी देर तक भूनने दूंगी। देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया है, मटन भूनने लग गया है मेरा। और जैसे मेरा मटन भून जाए तो मैंने कढ़ाई में जितना भी ग्रेवी रेडी कर रखी थी उसको इसमें ऐड कर लूँगी। इससे क्या होता है ना, कुकर में क्या होता है कि जब भी हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना तो वो चारों तरफ फैल जाता है, अच्छे से नहीं हो पाता, तभी मैं हमेशा कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा मटन एकदम भुनने लग गया है बहुत अच्छे तरीके से, और कलर्स भी बहुत अच्छा आया इसका।
और अब मैं लास्ट में इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा मटन मसाला, जो 5 रुपए का पैकेट था, मैं वही इसके पापा लेके आए थे। क्योंकि क्या होता है ना कि चिकन मसाला तो हमारा यूज़ हो जाता है, पर मटन हम शायद महीनों में बहुत कम बनाते होंगे, तो बस एक ही छोटा सा पैकेट लेके आए थे, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड कर लूँगी, पानी ऐड करने के बाद इसका ढक्कन लगा के इसको बंद कर दूँगी। और दूसरी साइड अब मैं बना रही हूँ आज जीरा राइस, क्योंकि अब मटन के साथ तो जीरा राइस अच्छा होता है। तो मैंने ना जो मेरे बासमती थे वो मैंने नहीं भिगाए थे जल्दीबाजी में, तो फिर मैंने क्या किया, पहले उनको थोड़ा सा घी में भून लिया था, मैंने डाल था जीरा, और उसके बाद मैंने घी और घी में थोड़ा सा उसको भून लिया, और भूनने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर उसको ऐसे रख दिया। और उसके बाद मैंने जो कैटल में गर्म पानी का रखा था, सारा का सारा गर्म पानी ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं गर्म पानी के उससे एकदम बॉईल होने लगे। और जब भी आपका मतलब चावल बॉईल होने लग जाता है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं नींबू। नींबू से क्या होता है ना कि सारा सारा चावल बहुत अच्छे से खिल जाता है, तो मैंने इसमें नींबू ऐड करके अब मैं इसको ढक्कन लगा के इसको भी पकने दूंगी। एंड बच गया था 2 सवा 2, सिरौला जी भी आ चुके थे, जैसा कि मैंने बोला कि ठंडा काफ़ी हो रहा था। तो फिर हमने खोला दीवान बेड और हम निकालने लग गए थे ब्लैंकेट और ब्लैंकेट के कवर। तो देखिए अथव कितनी मस्ती कर रहा है। हमारा ना लंच बन चुका है और सरोज जी आ चुके हैं ड्यूटी से। तो आज जैसे कि मैंने बोला कि विंटर सीजन में आज ही हो रहा ठंडा, तो हम लोगों ने आज निकाला है कंबल अभी जस्ट दिन के टाइम पे। तो ये अभी अपनी मम्मी जी का बिस्तर लगा रहे हैं, मतलब वो रजाई में ना कवर डाल रहे हैं, और हम लोगों ने अभी रखा हुआ है। तो अब दोनों मिलकर निकाल लगाते हैं कवर और मिलते हैं आपको बाद में। तो अब डालते हैं रजाई में कवर। तो सबसे पहले हम आ चुके थे मम्मी के रूम पे, तो मम्मी के रूम पे जो रजाई थी ना उनकी, तो उसमें हमने कवर अप कर लिया है। तो जो ये मेरा कवर है ना इसका, ये बहुत पुराना है, 2-3 साल पुराना, पर देखिए इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। और ये मतलब है भी बहुत अच्छा, उस टाइम पे थोड़ा कॉस्टली था, बट बहुत टाइम से शायद 3-4 साल हो चुके हैं इस कवर को, मैंने ये देहरादून में ही लिया था। तो होता यही है कि जब भी हम अगर कोई भी रजाई कंबल कुछ भी अगर हम ओढ़े, तो उसमें अगर हम कवर अप कर ले, तो जिससे क्या होता है ना कि हमारा जो कंबल या रजाई होता है बहुत टाइम तक ठीक रहता है और साफ़ सुथरा भी रहता है। और जब भी हमें इसे धोने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका कवर निकाल के इसको धो सकते हैं, तो जो हमारे कंबल है इसकी लाइफ भी लंबी हो जाती है। एंड देखिए सिरला जी और मैं लगे हुए थे, और अथर्व थोड़ी बहुत मस्ती कर रहा था ना, अथर्व कंबल के ऊपर बैठ चुका था और बोला था मैं नहीं उठूंगा। और जब भी हम कवर अप करते हैं तो उसमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि एक साइड से अगर इंसान कवर को पकड़ेगा तो दूसरे साइड से कवर अप अच्छे से हो जाएगा। तो लगभग मेरा इसे कवर हो चुका है, और इसका कलर भी बहुत सुंदर है। कलर दोनों का अलग अलग है, बट वैरायटी दोनों के कपड़े की एक ही है। तो हम इसमें भी कवर अप करके इसको फिर अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे, और उसके बाद हम चलेंगे लंच करने के लिए, क्योंकि लंच भी तैयार हो चुका था। बाकी बाद में इनको दोबारा जाना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा ना ये घोच पोच हो रहा था, क्योंकि क्या था ना कंबल और रजाई में अंतर होता है। रजाई क्या होती है एकदम फिट बैठता है, बट कंबल नहीं फिट बैठता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाता है। तो फिर हमने इसको फोल्ड करके आगे रख लिया। काफ़ी ठंडा, तो ब्लैंकेट में सारे कवर हमने डाल दिए हैं, और मम्मी के कमरे के भी और अपने कमरे के भी। और लंच मेरा बन चुका है, तो अब करते हैं लंच सब, और फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि सरोज जी को लंच कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, उनसे पूछूंगी। तो मम्मी तो खाएंगी रोटी, मम्मी के लिए बनाई है रोटी, और हम लोगों के लिए बनाया है हम लोगों जीरा राइस और मटन। तो पहले सबसे पहले मम्मी को देते हैं, फिर उसके बाद अपने लिए सब करते हैं। पहले डालते हैं मम्मी के लिए मटन, देखिए हमारा मटन जो कलर में तो बहुत सुंदर लग रहा है, आप देखिए खाने पे पता नहीं कैसा होता है। अथर्व मत करो। और दूसरी साइड मम्मी खाएंगी रोटियां। तो जैसे कि मैंने बोल सकी रोटी, हम हमेशा मम्मी मड़वे की रोटी ज़्यादा खाती है, तो मैंने मड़वे की रोटी बनाई थी। और ना हमारे घर में एक भेड़िया आ चुका है जिसका नाम है अथर्व भेड़िया, तो जब पीछे से देखिए वाव वाव कर रहा है। तो अब ले चलते हैं मम्मी के लिए लंच, उसके बाद हम अपने लिए सब करेंगे। मम्मी खाना खा लो। तो ये देखिए मम्मी के लिए रख दिया, अब सरला जी पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी। तो तैयार हो चुका है हमारा लंच, और अब हम करेंगे लंच। पहले मम्मी को दे के आ गई हूँ, अब डालती हूँ सरला जी के लिए, और उसके बाद फिर अपने लिए। मत करो यार, क्यों करो।
जिसे मैं हमेशा से दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या सच में? तो ये रहा हमारा लंच। लो अब हम सब करते हैं लंच। रला जी भी खाने लग गए और अथर्व सिर्फ मटन खा रहा है, वो नहीं खा रहा है चावल। तो अभी बताओ कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया। अभी पता है जब मैंने चावल बना लिया उसके बाद बोल रहे कि रोटी बना लेती, ठंडा बहुत हो रहा था ना, लेकिन मैंने सोचा कि मटन के साथ चावल अच्छे होते तो मैंने चावल ही बनाए। तो अब हम करते हैं लंच और मिलते हैं आपको बाद में। हमने लंच कर लिया और लंच करने के बाद अब हम खा रहे हैं मिठाई स्वीट डिश में। और देखो मम्मी ना अपने नाती को देख रही, क्योंकि नीचे आ गई स्कूल की बसें बच्चों की, तो मम्मी देखिए कि आदि कब आता है करके। और ये मिठाई ना हमारे यहाँ की है, मतलब उत्तराखंड की फेमस मिठाई है बालसाई। तो मिर्ची थोड़ा हो रही थी मटन में, जब भी मटन खाओ तो उसके बाद मीठा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आदि की गाड़ी भी आ चुकी है, तो अब आदि आ जाएगा। तो मैं खा के आ चुकी हूँ, सुरा जी अभी तक भी खा रहे हैं और आदि भी स्कूल से आ चुका है। ये देखो तूने कब बोला चॉकलेट दे करके, आज दूंगी कल। आदि देखो आते आते कितना अच्छा बच्चा है, आते आते सबसे पहले अपना लंच और बोतल रखता है किचन में और उसके बाद फिर वो कपड़े चेंज करता है। कल दूंगी बेटा रखा है। अब वो गुस्सा हो गया, उसने मेरे को बोला भी नहीं जबकि कि मुझे वो देना करके। वहाँ फेंक दिया, वो देखा तू। ये देखो इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इसने ना अपना आई कार्ड पकड़ के वो वहाँ फेंक दिया। अभी अपनी स्वेटर भी फेंक रहा है देखो ऐसे। अब मैं इसका ना फ्रंट कैमरे से इसका मुंह लेती ना तो ये साइड हो गया। आप लोग सोचते हो कि आदि बहुत सीधा है, तो देखिए आदि कितना सीधा ही सीधा है। आदि अब बड़ा हो गया, आप तो कपड़े भी खुद खोलता है। देखो अमां बोल रही कि मैं टाई खोल देती हूँ, लेकिन ना मैं खुद खोलूँगा। इसने मुझे बोला ही नहीं कि चॉकलेट डालना करके, और अभी खुद ही गुस्सा हो रखा कि चॉकलेट क्यों नहीं डाली बोल रहे हो करके। और ना सिरवा जी अभी भी खाने में लगे हुए हैं। उठ गए अब यहाँ से। ये देखो बस आदि के लिए चावल रखा हुआ है। लंच हो चुका है, आपने देख ही लिया था। लंच करने के बाद ना मम्मी ने धोए थे बर्तन और मैं आदि को थोड़ा सा लंच करवा रही थी। उसके बाद आदि चला गया ट्यूशन अथवा आमा के साथ है और हम अपने रूम पे। तो जैसे कि आज हमने रजाई निकाल ही लिए तो हम भी ओढ़ के बैठ गए। सिलवा जी अभी सो चुके हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे ड्यूटी में। और तो अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय बाय। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट। कौन सा गुड नाइट? देखा मेरी गलती कितनी जल्दी पकड़ी गई। एक एक शब्द ना बहुत ध्यान से सुनते हैं। गुड नाइट नहीं है ये, अभी तभी बोल रही है अभी कौन सा गुड नाइट। तो ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।